प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके प्रभात खबर में आपके साथ रंजना रावत। देवभूमि उत्तराखंड में बीते रविवार को कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से मची तबाही में अब तक 15 शव बरामद हुए हैं। हालांकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। इस तबाही के बाद करीब 150 से ज्यादा लोग लापता है। इस हादसे में तपोवन का पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी ITBP की टीम के मुताबिक एक सुरंग में करीब 30 लोग फंसे हैं। 300 से ज्यादा जवानों को टनल साफ करने में लगाया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि करीब 150 से ज्यादा लोग अभी तक लापता है। बीते दिन 12 लोगों को बचाया गया है। तपोवन में मौजूद टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी समेत अन्य एजेंसियां लगातार काम में जुटी हुई है। पूरी टनल करीब 2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अभी 200 मीटर के आसपास का ही रास्ता साफ हुआ है। ITBP, NDRF और SDRF की टीम लगातार बचाव काम में लगी हुई है। थोड़ी देर में वायुसेना भी राहत के काम में लग जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान रैणी गांव के लोगों को हुआ है। यहां 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि ग्लेशियर हादसे में 150 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। वहीं कल ग्लेशियर के फटने से आई बाढ़ में रैणी बिजली परियोजना पूरी तरह से बह गया है। इससे तपोवन में भारी तबाही मची है। पहले प्रोजेक्ट की जगह से 32 लोग और दूसरे प्रोजेक्ट की जगह से 121 लोग गायब हैं। बताया जा रहा है कि जिस सुरंग में 35 लोग फंसे हैं उसमें 35 से 40 फीट तक की कीचड़ भर गई है और बचाव कार्य में मुश्किल पैदा हो रहा है। वायुसेना ने बताया कि उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे के बाद हवाई राहत और बचाव कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया है। MI-17 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बचाव टीमों को देहरादून से जोशीमठ भेजा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि रविवार को जो यह हादसा हुआ वो कैसे हुआ। रविवार सुबह 10 बजे के आसपास उत्तराखंड के चमोली जिले में कुछ नदियों में अचानक से पानी बढ़ गया। दरअसल नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से भूस्खलन हुआ और धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इससे वहां NTPC की 2 पानी बिजली परियोजना, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना और ऋषि गंगा परियोजना को नुकसान पहुंचा है। इस परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में पानी भर गया और वहां मजदूर फंस गए। पानी के रास्ते में आने वाले कई घर भी बह गए। निचले इलाकों में आबादी वाले इलाकों में भी नुकसान की आशंका है। प्रशासन ने खतरे को देखकर फौरन कई गांवों को खाली करवाया और लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। वहीं पानी का स्तर बढ़ने के कारण बचाव कार्य को बीती रात कुछ देर रोकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मरने वाले उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। फिलहाल इसमें इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।